ना अभी मैं मार कर चुका ना। तो चुमा तो ऐसी चीज। हाँ देखिएगा आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका मॉडल पेपर के सॉल्यूशन का पार्ट फाइव। इस वीडियो के माध्यम से आपको पार्ट फाइव मिलेगा। पार्ट फाइव में बहुत ही शानदार जानदार प्रश्न, कभी कभी ये वाला प्रश्न 8 नंबर में आएगा और इस वाले मॉडल पेपर में ये 5 नंबर का दे रखा है। प्रश्न क्या है, रेखाओं के बीच की दूरी, ये समझ लो बीच की दूरी, ये तो 100% आपका पेपर में आ चुका है। मैं कह रहा हूं 101% ये सवाल मिलेगा ही मिलेगा, या तो 5 नंबर में या 8 नंबर में। 5 नंबर में भी आ जाए तो भी आपकी लॉटरी है, और ये समझ लो 8 नंबर में आया तो महा लॉटरी लग गई। क्या दे रखा है, आर बराबर दे रखा है आपको 3i + j + 2k + 1λ, यानी कोई भी कांस्टेंट जुड़ रहा होगा। इस तरह से आपको दो समीकरण दे रखी होंगी, दो समीकरण है। अब इनसे आपको क्या निकालना है, बीच की दूरी निकालनी है। और बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है, बहुत तेजी से समझ लो। बीच की दूरी, दो रेखाएं दे रखी है, इनका बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है डी बराबर बी वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर, बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर डॉट ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर, और नीचे बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर का मॉड। ठीक है, अब ये चीज आप समझिए कि ये कहां से लेकर आए सर, हमको बी वन और बी टू तो हमको पता ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो रेखाएं होती हैं यहीं से पता चलता है, आर वेक्टर बराबर ये होता है आपका ए वन प्लस बी वन ये, और ए टू प्लस लैम्डा बी टू, ये होती है रेखाएं। ठीक है, कहां से पता चल रहा है, यहां से देखिएगा, ये जो आपका ये वन है, ये जो है ये आपका क्या है ए वन है, ये आपका क्या है बी टू है, सॉरी ए वन बी वन, और ये आपका ए टू है और ये आपका बी टू है। समझ गए बात को, चलिएगा समझ गए हो तो यहां पे लिख दो, जल्दी से लिख दीजिए। क्या ए वन की वैल्यू कितनी आ गई, 3i + j + 2k, और बी वन की कितनी आ गई, i + 2j - k ये आ गई। ऐसे ए टू की कितनी आ गई, i2i - 3j + k, -j + 3k। यहां से आप चार वेक्टर छांट लोगे, दो समीकरण दे रखे होंगी a1 a2 b1 b2। ठीक है, ये समझ में आ गया, a1 a2 b1 b2। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपकी, a1 b1 a2 b2। ठीक, चलिएगा अब बस यहां से ही खेल हो जाएगा आपका खत्म। चलिएगा देखिएगा आपको क्या है, a2 वेक्टर - a1 वेक्टर निकालो पहले, a2 में से a1 निकालो। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, a2 ऊपर लिख दो, कितना है 2i - 3j + 4k, केवल a2 k कैप। ठीक, और a2 में से a1 निकालना है, a1 की वैल्यू कितनी है 3i और + j + 2k। अब इनको घटाना है, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस का है, ये प्लस है, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये 2i + का है और ये 3i - के हैं, तो कितना बचेगा, -k i कैप बचेंगे, ये -k 3 है और ये माइनस का जे, तो -k 4j हो जाएगा, ये प्लस का k है, यहाँ पर -k 2k है, तो कितना बचेगा, -k बचेगा, तो कितना आ गया, -i - -4j - k कैप। कुल मिला के बात यह है, ए टू में से इसको घटा दो, 2i में से ये चला जाएगा 3i, तो -k i बचेगा, और -k 3 में से -k 1 जाएगा, तो -k 4 हो जाएंगे, और +k k में से -k 2 जाएंगे, क्योंकि इसको घटाना है ना, तो -k k बचेगा। ठीक है, अब आपका देखिएगा नॉर्मली आपका अब चाहिए b1 क्रॉस b2, ये कैसे निकलता है, इसके लिए i j और k क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ये लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा b1 में i का गुणांक कितना है, यहां पर 1, और जे का गुणांक कितना है 2, और के का गुणांक कितना है -1, और यहाँ पे बी टू आई का गुणांक कितना है 2, और यहाँ पे जे का गुणांक कितना है -1, और यहाँ पे के का गुणांक कितना है 3। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये भी समझ लो आप, बिल्कुल बेसिक से समझ लो। ठीक है, पहले आई लिख लो, आई, ठीक, आई लिख लिया, और देखिएगा आई वाले चिन्ह को छुपा लो, तो कितना दिखाई दे रहा है 2 - 1 - 1 3, कितना दिखाई दे रहा है 2 - 1 - 1 3। ठीक, बीच वाला हमेशा माइनस में लिया जाता है, जे हमेशा माइनस में लिया जाएगा, तो अब इसको छुपा लो, 1 2 - 1 3, 1 2 - 1 3, ये आ गया। ठीक है, चलिएगा
अब ये वाला प्लस में लिया जाएगा, देखिए आई और जे ये प्लस में ली जाती है, बीच वाला हमेशा माइनस में लिया जाएगा। कितना बच रहा है, इसको छुपा लेंगे तो एक दो, एक दो और दो माइनस एक, समझ में आ गई बात। देखिएगा पहले आई इसको छुपा लो, फिर जे को छुपा लो, इसको छुपा लो, इसको छुपाएंगे प्लस में, इसको छुपाएंगे माइनस में, इसको छुपाएंगे के में, ठीक है। चलिएगा समझ में आई बात नहीं आई, चलिएगा अब आई इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिए, दो तिया छः माइनस, माइनस एक की माइनस एक में करेंगे तो प्लस का एक आ जाएगा, ठीक है। माइनस का जे इसकी मल्टीप्लाई इसमें एक दिए तीन, माइनस दो की मल्टीप्लाई माइनस एक में करेंगे तो माइनस का दो आएगा, और माइनस एक पहले से लगा हुआ है फॉर्मूला में, तो प्लस का दो हो जाएगा। प्लस का के एक की मल्टीप्लाई एक में करें माइनस एक में करेंगे माइनस एक, माइनस दो दूनी हो जाएंगे चार, ठीक है। छह में से गए बचेंगे पांच, पांच आई कैप, और ये माइनस का तीन और दो कितना हो जाएगा पांच, पांच जे कैप, और माइनस 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 पांच के कैप, ये आ गया। तो ये बी वन क्रॉस बी टू ये आ गया आपका, ठीक है। अब इसका क्या निकालो, आप मॉड निकालो, बी वन क्रॉस बी टू का मॉड, मॉड निकालेंगे, मॉड कैसे निकलेगा, पांच का स्क्वेयर, पांच का स्क्वेयर कर दो प्लस, ये जे का गुणांक कितना है माइनस पांच, तो माइनस पांच का स्क्वेयर कर दो प्लस, यहां पे भी कितना माइनस पांच, तो माइनस पांच, और भी कुछ होता तो वो उसका स्क्वेयर कर देते, ठीक है। पांच का स्क्वेयर पच्चीस प्लस पच्चीस प्लस पच्चीस, तो कितना आ जाएगा खंड रूप पिचहत्तर, ठीक है। पिचहत्तर को हम कितना लिख सकते हैं ये भी समझ लो, पिचहत्तर को हम लिख सकते हैं हिंदी में वैसे लिखना चाहें तो इसको कितना अंदर पांच रूट पांच, कैसे देखिएगा पिचहत्तर के आप फैक्टर कर लो पांच से, पच्चीस ये पांच एक पांच पचम पच्चीस, फिर पांती या पंद्रह तीन एक तीन, तो कितना आ जाएगा पांच रूट तीन, कैसे आया एक 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 जोड़े से एक शीट बाहर आ जाएगी, बाकी बचा कितना तीन बचा, ये चीज रख देंगे तीन एक तीन, तीन बचेगा ये वाला तीन, ये रख दिया। तो ये बी वन क्रॉस बी टू इतने की वैल्यू आ गई मॉड की इतनी, ठीक है। अब हमको तो दूरी चाहिए थी, दूरी तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा, दूरी दूरी निकालने के लिए पहले आपको ये भी चीज निकाल लो, ये भी साथ में निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है चलिएगा। अब वैसे हमें इसकी निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूला बना दो, डी बराबर, ठीक है डी बराबर ये कितना बी वन क्रॉस बी टू और डॉट और ए टू माइनस ए वन और नीचे बी वन क्रॉस बी टू का मॉड, ठीक है। और ये चलिएगा बी बराबर, अब देखिएगा बी वन क्रॉस बी टू की वैल्यू कितनी है, बी वन क्रॉस बी टू की वैल्यू ये रही पांच आई कैप माइनस पांच जे कैप माइनस पांच के कैप, ये है ठीक। और डॉट डॉट और ए टू, ए टू माइनस ए वन की वैल्यू माइनस जे माइनस आई माइनस चार जे और माइनस का के कैप, ये आ गया, ये भी हमने लिख दिया। और इसका ठीक है, नीचे कितना है, नीचे बी वन की इसकी वैल्यू कितनी है पांच रूट तीन, बी बराबर देखिएगा इसको हमने मोड में लिख रखा है, मोड का मतलब यह दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए हमने ये मोड लगा रखा है, बाकी मोड का कोई इतना बड़ा महत्व नहीं है। पांच की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का पांच आएगा, आई की आई में, जे की जे में, के की के में, तो पांच एक पांच, माइनस पांच की मल्टीप्लाई माइनस चार में करेंगे तो प्लस का बीस आ जाएगा, पांच चौके बीस, माइनस पांच की मल्टीप्लाई माइनस एक में करेंगे क्योंकि के का गुणांक कितना है माइनस एक, माइनस एक में पांच की करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का पांच आ जाएगा, नीचे पांच रूट तीन, तो डी बराबर कितना आ जाएगा इस पांच से ये वाला पांच कट गया तो ऊपर आ जाएगा बीस बटे पांच रूट तीन, कितना आ जाएगा पांच रूट तीन, पांच से ये कट जाएगा चार बार, तो डी बराबर आ गया चार बट्टे रूट तीन, और रूट नीचे रखते नहीं है, चार बट्टे रूट तीन, तो रूट तीन की मल्टीप्लाई ऊपर और रूट तीन की मल्टीप्लाई नीचे, तो डी बराबर कितना आ जाएगा चार रूट तीन और नीचे अंडर रूट तीन, तो कितना आ जाएगा डी बराबर आ गया चार बट्टे तीन रूट तीन, ठीक। इतने इतने मात्रक लिख दे, आंसर ले लो सीधे सीधे बात, इतनी दूरी आ गई, इतनी दूरी, ठीक है। अब मान लीजिए हम ये ना लगा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ये लगाओ या मत लगाओ, और यदि ये कोई वैल्यू यदि माइनस का बीस आ जाता तो आपको दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं छोड़ते, तो इसको भी आप प्लस ही करके लिख देते, क्योंकि दूरी आपकी ऋणात्मक नहीं होती है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए हम इसमें मोड का इस्तेमाल करते हैं, इस मोड का केवल दूरी को धनात्मक बनाता है, दूरी को धनात्मक बनाता है केवल, और कुछ नहीं है इसका मतलब, ठीक है
समझ में आई बात? चलिएगा, ये सवाल हो चुका, फिर आगे वाले सवाल पढ़ते हैं। बहुत जल्दी, बहुत ही प्यारा सवाल है ये, 8 नंबर में आता है इतना सही सवाल, कभी 8 नंबर में कभी 5 नंबर में। इस वाले मॉडल पेपर में हमने जो मॉडल पेपर दूसरा बना रखा उसमें ये 5 नंबर का है, काफी बार ये 5 नंबर में दे रखा है सवाल, काफी जगह ये 8 नंबर में दे रखा है। आई होप के ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी कभी कर लीजिए। चलो अगले सवालों को करते हैं।